दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक नोटबुक की डिजाइनिंग एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी डिस्प्ले पर देख रहे हैं, बस इसी तरह से हम लोग अभी डिजाइन करेंगे और सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम लोग एमएस वर्ड में एक नोटबुक पेज का डिजाइनिंग करते हैं या बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं और इसके बाद चलिए यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग पेज की मार्जिन सेट करेंगे। तो पेज की मार्जिन सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे लेआउट टैब में और यहाँ से मार्जिन पे क्लिक करके और सबसे नीचे आएंगे कस्टम मार्जिन में। और कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब में जो है 2.5 2.75 यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस सब को हमको जीरो कर देना है। इसमें भी हम जीरो कर देते हैं टैब दबा करके, इसमें भी हम जीरो और इस तरह से सभी में जीरो करके और हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत में आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करेंगे तो बिल्कुल पेज की शुरू से खाना ये स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और पेज की साइज हम लोग ये फोर रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ करके और टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल में हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी रो लेंगे। इधर से कॉलम नहीं लेना है, बिल्कुल सिंगल रो पे हम लोग कर्सर ला करके और क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे पेज पे लाइनिंग लाइनिंग आ गया है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कर्सर को इस टेबल का यहाँ पे देखिए सिलेक्शन वाला यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल हम इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे लेआउट टैब में आकर के और यहाँ से हम लोग टेबल की हाइट सेट कर देंगे। टेबल की हाइट यहाँ पे सेट करने के लिए इसको हम यहाँ पे इंक्रीज वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो टेबल की हाइट हम लोग लगभग इतना रखते हैं 0.9 सेंटीमीटर, इतना हम लोग टेबल की हाइट रख करके इसको सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टेबल में सबसे ऊपर वाले रो जो है इस पे कर्सर को लाएंगे तो बिल्कुल ये अप डाउन वाला सिंबल जब बन जाएगा तो यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके और इसको इस तरह से नीचे ड्रैग कर देना है। इस तरह से आप देखिए अपने अनुसार आप यहाँ पे ड्रैग कर लेना। चलिए हम यहाँ तक इतना हम लोग रखते हैं और इतना रखने के बाद अब देखिए यहाँ पे नीचे आना है। कर्सर अभी यहाँ पे है, इस कर्सर को हमको क्या करना है यहाँ पे सबसे नीचे वाले यहाँ पे जो रो है इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए टैब बटन प्रेस करने से क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे हमारा रो जो है वो बढ़ रहा है। इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करके और यहाँ पे भी हम लोग टैब क्लिक कर देंगे तो ये देखिए नीचे तक जो है ये रो हमारा ड्रैग हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग टैब नहीं दबाएंगे क्योंकि ये नीचे अगले पेज पे चला जाए क्योंकि नीचे तक यहाँ पे हम लोग रो ड्रैग कर लिए। चलिए अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे और पेज के ऊपर में आकर के यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमको फिर से आना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से हम लोग एक लाइन शेप ले सकते हैं। लाइन शेप लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइन शेप इस तरह से ड्रैग करेंगे यहाँ पे क्लिक करके और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको आगे तक इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो देखिए ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। इसको चलिए हम बाहर तक यहाँ पे निकाल देते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। थोड़ा कीबोर्ड की एरो बटन से भी इसको क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, इस पर क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे शेप आउटलाइन वाले में आएंगे और सेट आउटलाइन वाले ऑप्शन में आ करके यहाँ से कलर हम लोग रेड कर लेंगे और यहाँ से फिर इसकी वेट को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको डबल लाइन में करना है तो यहाँ पे कर्सर को लाएंगे और इस लाइन पे और जब यहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शन बन जाए तो कंट्रोल बटन क्लिक करके और इसको थोड़ा सा जो है माउस की सहायता से इस तरह से ड्रैग कर देना है ताकि ये डबल लाइन में इस तरह से हो जाए। इसको भी इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके और चलिए यहाँ पे फिर हम लोग इस साइड से भी ये डबल लाइन रेड की खींचते हैं तो फिर से हम लोग इंसर्ट साइड टैब में आ करके और यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए शेप में आकर के हम लोग यहाँ पे लाइन वाले शेप ले लेते हैं और फिर से इसको यहाँ से और नीचे की ओर ड्रैग करना है। फिर से शिफ्ट की होल्ड करेंगे और इसको माउस की सहायता से नीचे की ओर यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पेज की लास्ट तक हम लोग इसको ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ पे आकर के छोड़ देंगे और इसको भी हम शेप आउटलाइन में आकर के और इसकी विड्थ को भी बढ़ा देंगे और इसकी कलर को भी जो है यहाँ से हम लोग रेड सेट कर देते हैं और फिर से यहाँ पे इस लाइन पे लाएंगे कर्सर को
और कंट्रोल बटन होल्ड करके इसको थोड़ा सा इस तरह से डबल लाइन में ड्रैग करके कन्वर्ट कर। तो अब देखिए कि बिल्कुल एक हम लोग नोटबुक के जो पेज होते हैं उस तरह से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेज नंबर और डेट का एक सेट के माध्यम से यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए फिर से हमको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए ढेर सारे शेप दिए गए हैं, इसमें से आप जो भी शेप लेना चाहते हैं वो शेप यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है एक रेक्टेंगल राउंडेड कर्सर वाला शेप ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए, और ड्रॉ करने के बाद शेप फिल में आकर के यहाँ से नो फिल कर देना है, और फिर से इस शेप वाले कॉर्नर पर क्लिक करके और राइट क्लिक करना है, और यहाँ से एड टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे जिससे कि इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले पेज नंबर। यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका कलर जो है सेट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल ए कर लेते हैं, और इसके बाद होम टैब में आकर के यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग पेज नंबर के बाद यहाँ पे डॉट 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 लगा देते हैं और एंटर करके फिर से यहाँ से नीचे हम लोग डेट भी लिख देते हैं, फिर से आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। अब इसमें हम लोग कंट्रोल ए करेंगे और फिर से आएंगे होम टैब में, और यहाँ से इसका स्पेस रिमूव आफ्टर पैराग्राफ क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। शेप का आउटलाइन जो ब्लैक है इसको भी हम लोग रेड कर लेंगे। तो बस शेप को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पे शेप फॉर्मेट में आकर के और यहाँ से शेप आउटलाइन में आकर के इसका कलर भी हम लोग रेड कर लेते हैं। फिर से शेप के अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे होम में आ करके और यहाँ पे टेक्स्ट कलर को भी हम लोग फिर से रेड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग एमएस वर्ड में एक नोटबुक पेज का डिजाइनिंग बना सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइबर अभी बहुत ज़रूरी है।